Ready? Okay. Daddy, teeth did not really. They ran at the arm, but they really had one right. Teeth really, but they study. Teeth did not really, don't need to be. They ran at the arm, but teeth really had one right. अच्छा, और सारी दुनिया गोल गोल सारी दुनिया मम्मी थी दो थी डाल डाल पापा थी पापा तो छिटा दूर दूर सारी दुनिया दूर दूर। आपको सारी दुनिया गोल कब दिखती है? कब दिखती है आपको सारी दुनिया गोल? दूर दूर घूमते गोल गोल घूम के। कैसे? ऐसे 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 घूम के सारी दुनिया गोल दिखती है। अब सारी दुनिया गोल दिख रही है? हाँ। सच में? आ मुझे भी दिख रही है सारी दुनिया गोल। अरे अरे अरे, अब जॉनी जॉनी वाले सुना दो। नहीं, एक बार एक बार, प्लीज 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 जल्दी। नहीं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। और बाहर हो रही है बहुत तेज से बारिश, और मैं आपको दिखाती हूँ, बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो देखिए पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से। आपको ये दिख रहा है ना सामने, और देखिए ये जो इधर ये सब पानी आता है ऊपर से। और मैंने यहाँ पे देखो ये बर्तन रखा है, पानी टपक रहा है यहाँ से, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कभी कभी तो हमारा पूरा मंदिर भी मेरा भीग जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर से मुझे सेट करना पड़ता है। और ऊपर से वहाँ से बहुत पानी आता है, सच में बहुत परेशान है हम लोग। अभी भी हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, और जब तेज़ से आती है तो देखिए गाइस, ये जो पानी है ना यहाँ से देखिए, ये इतना टप टप गिर रहा है पानी। और नीचे मैंने बर्तन रखा हुआ है, ये देखिए। अभी तो यहाँ से कम हो गया है, थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा आया था, मैं उसी में लगी हुई थी, अभी थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये देखिए ये बर्तन रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें पानी जा रहा है। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सही में, और क्या करें, एक रूम है और सामान इधर से उठा के उधर रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने सामान सेट करके रखा था, बट अभी उठा के फ्रिज पे रख दिया है सारा सामान, क्योंकि नहीं तो भीग जाएगा इसलिए। और बस बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसमें बहुत ज़्यादा, तो क्या करें अब। तो बस चलिए, अभी तो देखती हूँ पानी और आता है कि नहीं। मैं पानी साफ़ कर लेती हूँ, फर्श पे भी पड़ा हुआ है, वो साफ़ कर लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। तो उसके लिए मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, पनीर है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो देखिए मैंने ये सब्जियाँ रखी हैं, आप चाहे तो और भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने कुकर, और कुकर के अंदर मैं डालूँगी घी। में घी में बनाने वाली हूँ, बटर भी मेरे पास नहीं है तो मैं घी में बनाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ 3 चम्मच घी डाल दिया है, 3 नहीं 4 चम्मच डाला है। तो 4 चम्मच घी डाल दिया, अब मैं इसको अच्छे से गर्म होने दूँगी। जब ये हीट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूँगी क्या, धीरे धीरे आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले तो हम अपने घी को गर्म होने देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि हम उसके अंदर कोई सामान डालें, जीरा या कुछ भी डालें, तो अच्छे से चटक जाए और जल्दी से हमारा मसाला तैयार हो। तो देखिए यहाँ पे अभी तो मैं कुकर रखा है, और वहाँ पे शायद मैं अपने हस्बैंड से कुछ बात करने लगी थी, तो आज हमारा मन हुआ पाव भाजी खाने का, तो हम खा रहे हैं। और अगर आपका भी मन करे तो इस तरीके से बना के खा सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से बनी थी, काफ़ी टेस्टी लगी थी, और इजी भी थी, ज़्यादा मैंने कुछ तामझाम नहीं किया था, इजी तरीके से बनाया था। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने जीरा, जीरा हो चुका है हमारा लाल। तो डाल दिया है मैंने प्याज, जिसको मैंने फाइनल चॉप किया था पतला पतला, बहुत बारीक बारीक, ये देखिए आप लोग देख रहे हैं। और इसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी क्या, आगे आप लोगों को पता चलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे डाला है मैंने अदरक लहसुन, जिसको मैंने किस के रखा था किसनी में। आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं, पर आपको पता है मेरे पास मिक्सी नहीं है, तो मैं उसको किसनी में ही किस लेती हूँ। और यहाँ पर डाल दी है मैंने टमाटर, ये देखिए,
और टमाटर और अदरक लहसुन प्याज को मैं बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने पका लिया, इतने अच्छे तरीके से आपको भी पकाना है। और यहाँ पे डाल दिए मैंने आलू, मैंने 3 से 4 आलू उबाले थे, उसमें से मैंने आधे आलू डाले हैं, सारे नहीं डाले क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले आज भी तुम आलू डालोगी, वैसे तो हम रोज़ आलू ही खाते हैं, तो मैंने कम आलू डाले। उसके बाद मैंने सारी सब्जियाँ डाल दी इसके अंदर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, बीन्स और बस सारी सब्जियाँ डाल दी और इसको अच्छे से मैंने कर दिया है मिक्स, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो आपको ये दिखा नहीं पाई, पर जितनी भी सब्जियाँ थी सब एक साथ डाल दी मैंने, उनको मैंने भून लिया था 2 मिनट तक। उसके बाद मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा डाला मैंने धनिया पाउडर, ख़त्म हो रखा है धनिया पाउडर, थोड़ा ही डाला है ये देखिए। तो बस इन सबको अच्छे से कर दूंगी मिक्स, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। बहुत इजी बताई है मैंने, सब तो बहुत ये भी डाली वो भी डाली, मैंने बहुत इजी तरीके से बनाई है। और मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा पानी, इसको हम पकाएंगे अभी थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। तो देखिए हमने पका लिया 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसके अंदर पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं रखना है क्योंकि हमारी जो भाजी है वो थोड़ी सी थीक होती है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए इतना पानी इनफ है, क्योंकि अभी हम इसमें 2 सीटियाँ लगाएंगे और जितनी भी सब्जियाँ हैं ये पक कर तैयार हो जाएंगी। तो डाल दिया मैंने लास्ट नमक, ये देखिए, और अब डालूँगी मैं इसमें पाव भाजी मसाला। तो ये देखिए पाव भाजी मसाले के अंदर, सॉरी पाव भाजी के अंदर मैंने पाव भाजी का मसाला डाल दिया है, क्योंकि वही नहीं जाएगा तो टेस्ट कैसे आएगा। तो देखिए मैंने मसाला डाल दिया है, मसाला डाल दिया है मैंने, इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए अच्छे से कर दिया ना मिक्स मैंने, अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं पनीर के कटे हुए टुकड़े, मेरे हस्बैंड ने बोला पनीर भी डालो तो पनीर भी डाल दिया हमने, तो पनीर से और भी खूबसूरत लगा था देखने में और खाने में तो बहुत यम्मी था। और यहाँ पे डाल दिया मैंने कस्तूरी मेथी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था धनिया तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो कस्तूरी मेथी डाल के ढक्कन लगा दिया था। अब यहाँ पे रख दिया मैंने तवा, तवे के ऊपर डाला है वही मैंने घी, मैंने आपको बताया बटर नहीं है तो घी से ही बना रही हूँ, तो घी डाल दिया मैंने, घी को गर्म होने दिया, उसके बाद मैं अपने पाव सेक लूँगी, इतना सीटियाँ लग रही है इतना पाव सेक लूँगी। तो देखिए पाव सेक रही हूँ अपने, तो ये बीच से टूट के 2 टुकड़े हो गए, पर कोई बात नहीं ऐसे ही सेक लूँगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं ना, है ना, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी। पहले मुझे भी लग रहा था कि कितना टाइम लगेगा, कितना भारी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, बट नहीं बहुत ईजी था। और इतनी सब्जियाँ सबके घर में अवेलेबल होती हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ ले लीजिए, जो भी सब्जी आपको पसंद हो वो लीजिए और बना लीजिए। तो बस यहाँ पे मेरे पाव भाजी सीख के हो गए हैं तैयार, ये देखिए दूसरा सेक लेती हूँ। और पाव को सेकने में क्या है, वो तो सभी कोई आता ही होगा, ऐसे तो ब्रेड भी हम सेक के खाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा भाजी कैसी बनी। तो देखिए हमारी भाजी बन के तैयार हो गई है, देखिए कितनी यम्मी लग रही है। और यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिए, और ये है पनीर जिसको मैंने डाल दिया है, ये देखिए पनीर, और मैंने डाला है गलत, मेरे हस्बैंड अच्छे से डाल के दिखाएंगे, ये देखिए वो मेरी बहुत मतलब मेरी सहायता करते रहते हैं मैं वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए ये है नींबू, नींबू को भी मैं डाल दूँगी क्योंकि नींबू तो नींबू के बिना टेस्ट कैसे आएगा भाजी के अंदर। तो देखिए ये है पाव, और ये देखिए मेरे बाबू ने उठाया और खाया तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।